हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन की एक नई अपडेट में। तो आज मैं आप सभी को 101 डेज के बाद में यमुना रिवर से लेके मजलिस पार्क तक की अपडेट देने वाला हूँ। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पिंक लाइन का एक्सटेंशन किया जा रहा है मोजपुर बाबरपुर से मजलिस पार्क के बीच में। तो इस एक्सटेंशन में 8 नए स्टेशन होंगे। तो इस एक्सटेंशन की लेंथ है 12.32 किलोमीटर की। तो मोजपुर बाबरपुर से यमुना रिवर तक की अपडेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को यमुना रिवर से आगे की अपडेट दूंगा। तो यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद में पियर वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और अगली लोकेशन होने वाली है यहाँ की आउटर रिंग रोड के साइड की। तो आउटर रिंग रोड के साइड के सारे पियर बन के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे काम किया जा रहा है लेफ्ट और राइट साइड के पियर्स को आपस में कनेक्ट करने का। और यहाँ फ्लाईओवर के लास्ट में पियर्स को कनेक्ट करने का काम हो चुका है। प्रीवियस अपडेट ये थी। तो आउटर रिंग रोड के साइड में ही बनाया जाएगा सूर घाट का स्टेशन। और नाले को क्रॉस करने के बाद में 4 पियर्स को कनेक्ट करने का काम काफी टाइम पहले हो गया था। यहां उगती हुई घास से अंदाजा लगा सकते हो। आगे की साइड के पियर्स के ऊपर पियर कैप का काम हो चुका है। और इन दोनों पियर्स के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और सामने की साइड में यहां पे बनाया जा रहा है जगतपुर विलेज का स्टेशन। तो इस स्टेशन के दोनों साइड के प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहां पे शेड के स्ट्रक्चर को रेडी करने का काम स्टार्ट हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और इस साइड में यहां पे होगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। और इस स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल के ऊपर मार्बल की फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और आगे की साइड में अगले स्टेशन तक ये वायडक्ट रेडी हो चुका है। और आगे की साइड में यहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर जो गर्डर लॉन्चिंग का काम किया गया था, वहाँ पे फ्लोरिंग वर्क हो चुका है। और दोनों तरफ के वायडक्ट कनेक्ट कर दिए गए हैं, जो पिछली बार नहीं किए गए थे। और ये आ जाता है झरौदा मांजरा का स्टेशन। तो इस स्टेशन के भी दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग का काम हो चुका है। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है शेड का। प्रीवियस अपडेट ये थी। तो देख सकते हो पिछली बार शेड के स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट नहीं हुआ था।
और स्टेशन के इस तरफ यहाँ पे होगा एंट्री और एग्जिट गेट। और दूसरी साइड में इस तरफ और स्टेशन से आगे की साइड में देख सकते हो ट्रैक्स को ऊपर की तरफ पहुंचा दिया गया है, जो पिछली बार नहीं पहुंचाया गया था। तो अभी यहां पे ट्रैक्स को बिछाने का काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है। और अब आगे की साइड में आने के बाद में बुराड़ी स्टेशन से पहले भी देख सकते हो ट्रैक्स को ऊपर की तरफ पहुंचा दिया गया है। तो ये है बुराड़ी का स्टेशन। तो इस स्टेशन के शेड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है। प्रीवियस अपडेट ये थी। और स्टेशन के इस साइड में यहां पे होगा एंट्री और एग्जिट गेट। तो अभी यहां पे पाइल वर्क किया जा रहा है, लेकिन दूसरी वाली साइड में देख सकते हो अच्छा खासा काम हो चुका है एंट्री गेट के ऊपर। इसकी प्रीवियस अपडेट ये थी। और स्टेशन से आगे की साइड में नाले से पहले तक वायडक्ट रेडी हो चुका है। और यहां पे नाले के दोनों तरफ के पियर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जो पिछली बार नहीं किया गया था। और आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ के और बीच के पियर्स के ऊपर पियर कैप का काम हो चुका है। और आउटर रिंग रोड को क्रॉस करने के बाद में यहां पे फ्लोरिंग वर्क हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और आगे की साइड में तो ये काफी लंबा वायडक्ट रेडी हो चुका है। और आगे की साइड में आने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे नए वायडक्ट को पुराने वायडक्ट के साथ में कनेक्ट करने के लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम हो चुका है। प्रीवियस अपडेट इस पॉइंट की ये थी। तो सामने की साइड में ये है मजलिस पार्क का स्टेशन। तो मजलिस पार्क में मैजेंटा लाइन भी बनाई जा रही है। तो ये है मेन लाइन का वायडक्ट। और यहाँ पे इस साइड के ये जो पियर्स हैं ये जाएंगे मुकुंदपुर डिपो में। तो मैजेंटा लाइन की अपडेट मैं आप लोगों को 4 वीडियो में दूंगा, जिसमें से सितंबर में 2 या 3 वीडियोस आ जाएंगी। तो बस करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।